हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम क्लास 12 केमिस्ट्री का जो चैप्टर 2 देख रहे हैं विलयन सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसका पार्ट 4 वीडियो है। इसमें हम देखने वाले विलयन का आयतन परसेंट क्या होता है। इसे इंग्लिश में कहते हैं वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। तो बहुत ज़्यादा आसानी से देखेंगे, ठीक है। तो इसके पहले वाले में हम देख चुके हैं विलयन का दमन प्रतिशत, तो इसमें देखेंगे विलयन का आयतन परसेंटेज, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल और एक न्यूमेरिकल से एकदम आसानी से इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देख सकते हो आप, तो चलिए देखते हैं विलयन का आयतन प्रतिशत होता क्या है। तो बात करते हैं विलयन का आयतन प्रतिशत, ठीक है। तो देखो, जो 100 मिलीलीटर परिभाषा आप पढ़ सकते हो कि देखो 100 मिलीलीटर, मिलीलीटर का मतलब ml, ठीक है। विलयन में उपस्थित विलेय के मिलीलीटरों की संख्या को विलयन का आयतन परसेंट कहते हैं, ठीक है। तो अब देखो बात क्या कही गई, 100 मिलीलीटर का विलयन है। विलयन कितने मिलीलीटर का है? 100 मिलीलीटर विलयन है। देखो कहा गया 100 मिलीलीटर विलयन में उपस्थित विलेय जो होगा वो क्या, विलेय के जो मिलीलीटरों की संख्या होगी वही कहलाएगी विलयन का आयतन परसेंट। मतलब कहा जा रहा है 100 मिलीलीटर विलयन है, उसमें जितने भी मिलीलीटर आपका विलेय उपस्थित होगा वही विलयन का आयतन परसेंट कहलाएगा। देख सकते हो 100 मिलीलीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मिलीलीटरों की संख्या को क्या कहते हैं? विलयन का आयतन परसेंट। तो क्या परिभाषा हो गई कि 100 मिलीलीटर विलयन है, उसमें जितना भी विलेय का ml मतलब उपस्थित होगा, जितने ml विलेय उपस्थित होगा उसे ही कहेंगे विलयन का आयतन परसेंट, ठीक है। तो क्या हो गया, 100 मिलीलीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मिलीलीटरों की संख्या को विलयन का आयतन परसेंट कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गई परिभाषा, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं। आप देखो इसके फॉर्मूले की बात करें, देखो पहले इसे देखते हैं प्रदर्शित कैसे करते हैं। ऐसे वी बाई वी परसेंटेज, ठीक है, वी बाई वी परसेंटेज से इसे प्रदर्शित करते हैं। आप देखो v बाई वी परसेंट का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, विलेय का आयतन बटा में क्या विलयन का आयतन, दोनों कैसे होंगे ml में होंगे, इनटू क्या लगना है 100, ठीक है। तो विलेय का आयतन बटा विलयन का आयतन ml में दोनों होंगे और इनटू लगेगा 100। तो देखा क्या हुआ, 100 मिलीलीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मिलीलीटरों की संख्या को विलयन का आयतन प्रतिशत कहते हैं। इसे वी बाई वी से प्रदर्शित करते हैं, तो मतलब इसे इंग्लिश पढ़ सकते हो वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट इक्वल टू होगा आपका विलेय का आयतन ml में तथा विलयन का आयतन ml में इनटू 100, ठीक है। तो ये बात होगी। आप देखते हैं एग्जांपल से इसे समझते हैं। देखो जैसे आपको कहा गया है कि एल्कोहल का एग्जांपल, हमने एल्कोहल का 25% विलयन, क्या कहा गया, एल्कोहल का कितने परसेंट विलयन है, 25% विलयन है। तो देखो जब 25% विलयन हो तो आपको इसका मतलब क्या होगा कि 25 ml जो एल्कोहल है वो 100 ml विलयन में उपस्थित है। देखो क्योंकि आपको बताया गया आयतन प्रतिशत का मतलब होता है कि 100 ml विलयन में कितना विलेय उपस्थित है वही कहलाएगा आयतन प्रतिशत। तो 25% का मतलब कि 25 ml जो एल्कोहल है, ये जो आपका विलेय है, ये कितने 100 ml विलयन में उपस्थित है। तो ये वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट की वैल्यू दी गई, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, 25 ml जो एल्कोहल है ये कितने में, 100 ml विलयन में उपस्थित है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं। तो अगर हम इसमें से विलायक की बात करें तो कितना आ जाएगा, 100 ml हो गया विलयन, 25 ml हो गया क्या विलेय, तो विलयन माइनस विलेय करोगे तो आ जाएगा विलायक का मान 75 ml। अब एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर लेते हैं। कहा गया 25 ml एल्कोहल 100 ml विलयन में घुला आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। कहा गया 25 ml एल्कोहल, ठीक है, 25 ml दिया है आपको OH, सॉरी इसे आप एल्कोहल ले लो ऐसे, ठीक है, 25 ml एल्कोहल। आप देख रहे हो ये है क्या, ये है आपका विलेय, क्या है विलेय है, ठीक है, 25 ml एल्कोहल क्या है, विलेय है आपका, ठीक है। तो 25 ml क्या है, OH, मतलब ये क्या हो गया विलेय। और 100 ml हमें दिया है क्या विलयन, 100 ml दिया है विलयन। अब निकालना हमें क्या है, आयतन परसेंटेज, ठीक है। तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट में हम क्या लिखेंगे, आपको फॉर्मूला बताया गया विलेय का जो आयतन है वो ml में लिखेंगे, ठीक है। तो विलेय का आयतन कितना है, 25 ml बटे विलयन का आयतन है 100 ml इनटू क्या लगाएंगे, 100, ठीक है। तो 100 से 100 कैंसिल आ गया, कितना, 25% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ठीक है। तो देख सकते हो 25% आ चुका है। यही वाला क्वेश्चन था आपका कि एल्कोहल का 25% विलयन, तो कितना, 25 ml और 100 ml, ठीक है। तो 25 ml और 100 ml, अगर विलायक की बात करें तो 75 ml। क्वेश्चन वही है, बस आपको उसमें आपको न्यूमेरिकल से समझाया गया, उसमें आपको एग्जांपल दिया गया कि कैसे हो सकता है, अगर 25% विलयन लिया हो तो 25 ml एल्कोहल और 100 ml विलयन होगा, ठीक है। और अगर आपको इसकी बात की जाए न्यूमेरिकल टाइप कैसे आ सकते क्वेश्चन, इसी में आपकी संख्या कोई भी चेंज हो सकती, कोई भी आपका दे सकता है, ठीक है, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये होता है आपका आयतन प्रतिशत। तो आशा करते हैं आपको विलयन का आयतन प्रतिशत एकदम आसानी समझ में आया। तो इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, वॉल्यूम परसेंट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो अगर वीडियो भाई थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।